ओम नमस्कारम। मैं नवीन और मेरे साथ है सपना। आपका स्वागत है पीएलसी सुपर के यूट्यूब चैनल पर। आज फिर हम हाजिर हुए हैं आपके सामने एक और ध्यान का सेशन लेकर। पिछले सेशन में हमने बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें बताई थी आपको। आज इन्हीं चीजों को संक्षिप्त में बताने के लिए आज हमारे साथ सपना है। सपना आज आपको बिल्कुल संक्षिप्त में बताएंगे और साथ साथ ये एक 20 मिनट का सेशन भी हम ध्यान का आपके साथ करेंगे। तो सपना बताएं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन इन अ लेमेंस लैंग्वेज, जो हर आदमी समझ सके, ज्यादा गहराई में ना जाके, ज्यादा डीप में ना जाके, उसका डिटेल डेफिनेशन ना करके, एक बहुत ही इजी भाषा के अंदर ये है। जैसे कि आप अपने इनर सेल्फ को वेकेशन दे रहे हैं, यू गो ऑन वेकेशन ऑल द टाइम, राइट? लोग वेकेशंस पे जाते हैं, बहुत ही काम महसूस करते हैं, रिलैक्स, पीसफुल। हर किसी को वेकेशन की जरूरत है। सेम इज विद आवर माइंड, हमारे दिमाग को भी उस वेकेशन की जरूरत है। सो इन अ लेमेंस लैंग्वेज, मेडिटेशन इज गिविंग योर सेल्फ, गिविंग योर इनर सेल्फ अ वेकेशन। दैट्स इट। अपने अंतर मन को, अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को एक छोटी सी छुट्टी देना, जिसके अंदर आप बहुत ही ज्यादा शांत हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, और आपकी जो एफिशिएंसी है हर चीज को डे टू डे लाइफ के अंदर, इन योर जॉब्स, एवरीवेयर, दैट एफिशिएंसी इंक्रीजेस, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आप हर चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। ये छुट्टी वाली जो तुमने बात कही ना, ये बड़ी अच्छी लगी मुझे। हर समय हमारा मन मस्तिष्क हमेशा ही चलता रहता है। हम सोते हैं तो भी हमारे मन में कोई ना कोई विचार चलता रहता है। बिल्कुल। बैठे हैं, खा रहे हैं तो भी। तो इसको एक छुट्टी, जैसे आपने कहा, इसको छुट्टी का नाम दिया, एक तरह का विश्राम ये इसको दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया बताया आपने। तो इस छुट्टी का करने का तरीका भी, अब आप छुट्टी पे जाते हैं, आप बहुत रिलैक्स रहते हैं, अब वहाँ पे चीजों को बहुत ज्यादा आपको पिक एंड स्पैन नहीं चाहिए होता। अगर आपको वहाँ पे भी पिक एंड स्पैन चीजें चाहिए हो तो मतलब वेकेशन का क्या पॉइंट है। सो लीविंग थिंग्स लाइक यू नो, जस्ट अगर कोई चीज है तो अच्छा है, नहीं है तो लेटिंग गो स्टफ, जस्ट रिलैक्सिंग इन योर रिलैक्स मूड, व्हाट यू वांटेड टू डू और व्हाट यू डोंट वांटेड टू डू। सो जब आप वेकेशंस पे जाते हैं, आप थोड़ी सी चीजें लेके अपना रिलैक्स मोड में ही चले जाते हैं, और यही वो चीजें हैं। The main point is vacation का being comfortable, being happy. So इसी चीज के अंदर एक और चीज मैं कहना चाहूंगी। ये सवाल अक्सर बहुत सारे लोग करते हैं कि purpose of life क्या है, right नवीन? कि life का purpose क्या है? तो life का purpose is not something like you have to like you know build a big house, you have to buy a big car like you know a vintage car or like a very expensive car. Bugatti and all that. You don't have to do that. That is not the main purpose of your life. Purpose of life is just being happy. Good. And not just being happy, the expansion of happiness. Aaj aap agar yahan pe happy hain, to kal uska star badhe, parso uska star badhe, fir uska star badhate rehna. To happiness ke star ko badhate rehna is the purpose of our life. To us purpose ke saath, to is meditation jo hai, is meditation जो हमारी जो टेक्निक है आपको ये रिलैक्स करने की, तो ये जो टेक्निक है उस हैप्पीनेस की तरफ आपको लेके जाती है। यानी आपकी छुट्टी हो गई, छुट्टी के बाद आपके दिमाग को जो खुशी चाहिए थी वो मिल गई, और वो खुशी जो है वो ठहरे लाइफ के अंदर, ठहरे और बढ़ती जाए। बिल्कुल बिल्कुल, राइट? तो आप कुछ सवाल करना चाहेंगे इसके रिलेशन में? मैं दो तीन चीजों का इसमें, एक तो ये हमारी मेडिटेशन टेक्निक है वैदिक मेडिटेशन, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और इससे रिलेटेड जितने भी हमारे जो पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, कैसे करना चाहिए, क्या perfect. कैसे है ना? सो दीज आर द मेन क्वेश्चन दैट वी हैव टू कीप इन कंसर्न। सो फर्स्ट आई टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, फिर हम उसकी टेक्निक के छोटे छोटे पॉइंटर्स के अंदर उसको डिटेल में जाएंगे। सो द बेनिफिट्स आई विल गो इन लाइक वेरी फास्ट पेस बिकॉज लाइक वी हैव टू डू इट इन ब्रीफ। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट यू गेट अ परफेक्ट रेस्ट ऑफ योर माइंड, आपका दिमाग बहुत ज्यादा शांत हो जाता है। आपको जैसे सोने के अंदर
कहते हैं, जैसे नींद के अंदर 8% हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को रिलैक्सेशन मिलता है, 8 से 10 घंटे की नींद की बात कर रही हूं मैं। और जब हम मेडिटेशन का, जो हमारी वैदिक मेडिटेशन है, उसका जब 20 मिनट का अभ्यास करते हैं, by 20 minutes you get a relaxation of 18%. So like just understand the difference, right? बिल्कुल। 8 से 10 घंटा 8% और 20 मिनट 18%, 10% का डिफरेंस, मोर देन डबल, राइट? सो सबसे पहला रेस्ट ऑफ माइंड। द नेक्स्ट थिंग इज, जब आपके दिमाग को रेस्ट मिल जाता है, ऑब्वियसली आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती जाती है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, वेरियस हेल्थ इश्यूज। आपका जब ब्लड प्रेशर ठीक होता जाता है तो आपका जो हार्ट अटैक के होते हैं, हार्ट स्ट्रोक के जो इश्यूज है, वो बिल्कुल रिड्यूस होते जाते हैं, बिल्कुल कम हो जाते हैं। आपका फिजिकल बीइंग तो कंट्रोल में आता ही है, नॉट जस्ट दैट, आपका जो और ज्यादा साइकोलॉजिकल, आपका मेमोरी बहुत ज्यादा एनहांस होने लगता है, योर आईक्यू लेवल इम्प्रूव्स। और इट्स बीन सेड लाइक कि जैसे कहते हैं कि आइंस्टाइन भी अपना दिमाग का, अल्बर्ट आइंस्टाइन, सो वो भी अपने 2% ब्रेन का इस्तेमाल कर पाते थे। बाय दिस मेडिटेशन यू कैन इम्प्रूव इट। अब 4% कहा जाता है कि अगर आप इसका दिन में 2 बार अभ्यास करते हैं तो 4% तक आप अपने ब्रेन की कैपेसिटी को यूज कर सकते हैं, जस्ट बिलीव इट। बिल्कुल बिल्कुल। या? ये कितने समय तक, लगभग कितने समय तक करें हम, 1 महीना 2 महीना, जब अगर इसको हम 2 से 4 लेके जाना है तो हम कितना टाइम इसके लिए चाहिए? आप खाना कितना खाते हैं? खाना तो 2 टाइम खाते हैं, खाते हैं, हाँ। डेली खाते हैं, खाते बिल्कुल, रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस गाइस, यू हैव टू कीप ऑन गोइंग। आपको किसी चीज को भी बढ़ाना है, किसी चीज को भी निरंतर चलाते रहना है, तो यू हैव टू वॉक ऑन दैट पाथ, राइट? कि आपको एक जर्नी, आपको कहीं पे पहुंचना है, लाइफ इज अ जर्नी। और ये जो खुशी का जो फीलिंग है, ये हमारा जिंदगी का जो मकसद है, पर्पस, ये भी ऑनगोइंग चलता रहता है। तो मेडिटेशन इज, इट गोज विद इट, राइट? तो मेडिटेशन उसी का पार्ट है, वो आपको उसी पे लेके जा रहा है, तो आपको वही उस पे करना है, तो उस पे आपको चलते रहना है, ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा उसका आपका। तो नेक्स्ट इज दैट कि आपका आईक्यू लेवल एनहांस होता है। आप वर्क की बात करें तो आपकी एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ जाती है, यू गेट बेटर एंड बेटर इन योर वर्ड्स, स्पेसिफिकली अकाउंटेबिलिटी एंड ऑल दैट, यू गेट वेरी गुड विद द नंबर्स, राइट? एंड अदर जॉब्स, हर जॉब के अंदर आपका बेहतर होता जाएगा। और जैसे रिलेशन, पर्सनल लाइफ की बात कहें, जब दिमाग शांत होगा, जब शरीर ठीक होगा, सब कुछ स्वस्थ होगा, हैप्पीनेस का लेवल बढ़ता जाएगा, आपका पर्पस लाइफ का अल्टीमेट गोल अगर अचीव हो रहा है, तो आपका जो रिलेशनशिप है किसी से भी, चाहे विद योर पार्टनर, विद योर फैमिली, विद योर रिलेटिव्स, एवरीवन, विद योर नेबर्स, ऑफ कोर्स विद योर फ्रेंड्स, इट विल इंप्रूव एंड इंप्रूव एंड इंप्रूव, हर बार बढ़ता जाएगा। आपने बताया कि ये जो है सारे फील्ड में, ओवरऑल जितने भी चारों तरफ अगर हम देखें, अध्यात्म में देखें, अपने पारिवारिक में देखें, सामाजिक देखें और हेल्थ वाइज देखें, तो आपने सारे बेनिफिट बताए हैं। तो इस तरह से हमें निसंदेह चारों तरफ ही हमें फायदा हो रहा है, तो इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां और क्या क्या इसमें रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, वो और थोड़ा सा अगर आप हमें बता दें। सो मेडिटेशन के अंदर जो ये फॉलोइंग स्टेप्स, विल टॉक अबाउट द स्टेप्स ऑफ द टेक्निक, 5 स्टेप रहेंगे इसमें, इसके बाद में आई विल टॉक अबाउट लाइक फॉर 2 मिनट्स एंड विल स्टार्ट आवर मेडिटेशन सिस्टम। सो फर्स्ट थिंग, यू हैव टू सिट वेरी कंफर्टेबल, आप जहाँ पे भी बैठे हो बहुत ही कंफर्टेबल स्टेट में, अगर आप, इफ यू वांट टू सिट क्रॉस लेग, यू कैन सिट लाइक दैट। आप नीचे पैर करना चाहे, आप नीचे पैर करके बैठ सकते हैं, आप बेड पे बैठना चाहे, आप बेड पे बैठ सकते हैं, आप जहाँ पे बैठना चाहे आप बैठ सकते हैं। द पॉइंट इज, यू हैव टू बी कंफर्टेबल, रूम टेम्परेचर जो हो वो कंफर्टेबल हो इसके अंदर, मतलब हमें कोई आसन लगाने की जरूरत नहीं, कोई आसन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक रिलैक्स्ड काम स्टेट में बैठना है, आपका बॉडी कंफर्टेबल होना जरूरी है। अगर आप बॉडी को कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट होगा तो ध्यान बार बार वहां जाएगा, तो हमें वो नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा चीज, हमको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, हमारा जो मेडिटेशन का टेक्निक है उसका मकसद कॉन्सेंट्रेशन है, उसका अल्टीमेट गोल कॉन्सेंट्रेशन है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, पर उसका प्रोसेस नहीं है और उसका स्टार्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। नो बिगनिंग, नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर मेडिटेशन, नॉट द प्रोसेस ऑफ इट, नॉट द स्टेप्स ऑफ इट, इट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर मेडिटेशन टेक्निक, कॉन्सेंट्रेशन इसका लास्ट पॉइंट है। मतलब हमें कहीं भी एकाग्र नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेट नहीं, कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। आई डिडंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट। या सो हमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, वो धीरे धीरे वक्त रहते रहते, जब हम दिन में 2 बार 3 बार, जब आप इसको फायदा महसूस करने लगेंगे तो आप इसको 3 बार भी करेंगे, ये आप अपने आप ही करने लग जाएंगे। जब आपको इसको शुरू में, आपको 1 महीना तक थोड़ा
एक सवा महीना तक आप इसको करना पड़ेगा, और उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ में, जब बेनिफिट समझ में आने लगेंगे, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं, आप अपने आप ही इसको करते जाएंगे। नेक्स्ट इज दैट कि हम इसमें एक मंत्रा का इस्तेमाल करते हैं, राम। राम एक शब्द नहीं है, राजा का बेटा नहीं था राम, उन्होंने बहुत उस मतलब का गहरा मीनिंग उन्हें मालूम था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम राम रखा, राजा दशरथ ने। तो राम का मतलब है, राम इज एक्चुअली अ ध्वनि, तो रा म, ये दो सेपरेट अल्फाबेट्स हैं, सेपरेट अल्फाबेट्स का इनका अपना अपना ही एक ध्वनि का मतलब है। रा को हम इस्तेमाल करते हैं रंधे की तरह, जैसे आप किसी चीज को शार्पन करते हैं, किसी चीज को शेप अप करते हैं, तो यू हैव टू लाइक पुट अ फ्रिक्शन ऑन इट, राइट, यू हैव टू रब इट। जैसे कारपेंटर भी घर के अंदर आपका फर्नीचर बनाता है, दरवाजे बनाता है, ही रब्स इट, राइट, उसको रंधा रंधा से उसको रब करता है। म है कि जब आप कुछ भी चीज करते हैं, म इज लाइक अ मरम, जैसे कि आप, जैसे आपने रंधा से उस लकड़ी को आपने रब कर दिया, उसको स्मूथ कर दिया, उसके बाद यू हैव टू अप्लाई पेंट ओवर इट, राइट, उसके ऊपर पेंट करते हैं, तो वो मरम का काम करता है। ऐसे ही हमारी लाइफ के अंदर आज बहुत पहले बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें शायद याद भी नहीं होती, पर वो हमारी लाइफ में छोटे छोटे नॉट्स बना देती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन में, जो हमें मालूम भी नहीं है, पर वो हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है, हमारी एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा डिक्रीज करता है। तो वो उन नॉट्स को खोलने के लिए मरहम की जरूरत पड़ती है, उन थॉट्स को खोलने की जरूरत पड़ती है, रंधे की, रा की और म की जरूरत पड़ती है। तो हम राम का उच्चारण करेंगे इस मेडिटेशन के दौरान, और स्पीड का कोई भी इससे वो नहीं है, हो सकता है कि आप एकदम से बोलने लगे राम 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 निकलने लग जाए, और हो सकता है आपका रा बहुत लंबा, अगर आपको थॉट्स को बहुत ज्यादा जाना है, आपको रंधे की जरूरत है अपनी लाइफ के अंदर, शेपन अप की जरूरत है, तो आप राम ऐसे हो सकता है। आपको अगर सब कुछ वो चीजें हो चुकी हैं, आपको मरम की जरूरत है, तो आपका राम इस तरीके से होता है। सो स्पीड डजंट काउंट, प्रोनंसिएशन डजंट काउंट, इट डजंट मैटर, आपको सिर्फ राम को बोलना है, जैसे भी बोला जाए, जिस स्पीड पे, जिस पेस पे बोला जाए, जिस तरीके से बोला जाए, बीच में आपके थॉट्स आएंगे। हो सकता है मेडिटेशन करते करते आपके एकदम थॉट दिमाग में आ जाए और आप बिल्कुल अपने रास्ते से हट जाए, सो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। हमारा मोटिव यही है कि आप अपने उससे हटें, जो भी थॉट्स, अनवांटेड थॉट्स, इट कुड बी रैंडम थॉट्स, कि ऐसा कि आई वॉज ड्राइविंग यस्टरडे एंड ऑन द स्ट्रीट देयर वॉज अ गाय हॉन्किंग द कार हॉर्न, सो इट कुड बी लाइक दैट, द पर्सन वॉज इन ड्राइविंग वेल, आई वॉट टमेटोज यस्टरडे एंड द टमेटोज वॉट नॉट गुड, सो कुड बी एनी रैंडम थॉट विल कम। जो आपका डीपन स्ट्रेस होगा, डीपन थॉट होगा, वो हो सकता है कि उन रैंडम थॉट से भी निकले, और अगर वो उससे नहीं निकलेगा तो धीरे धीरे, हो सकता है जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो कभी लाइफ में स्ट्रेस रहा होगा, धीरे धीरे वो थॉट्स भी आ सकते हैं, तो आपको उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। थॉट्स आना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। ज्यादातर यही कंफ्यूजन रहता है कि जो विचार बीच में जब ध्यान कर रहे होते हैं, तो जो विचार आते हैं, तो उससे हम ये लगता है कि जो हमारा ध्यान है वो सही से नहीं लग रहा, और ये जैसे आपने बताया कि ये विचारों का निकलना ही ध्यान है, ये जो विचार जो निकल रहे हैं, जो सफाई हो रही है, यही सही तरीका है, तो आपने बिल्कुल सही बताया। हमको उन नॉट्स को ही खोलना है, वो जो दबे हुए थॉट्स हैं, जो जमा हो जाते हैं, जो गांठ बना लेते हैं हमारे दिमाग में, उन नॉट्स को खोलना है। और जब आप मेडिटेशन का अच्छे से, जब इसका अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो नॉट्स जब खुलेंगे, तो हो सकता है यू विल फील अ लिटिल पिंच इन योर बॉडी, कैसे झटका सा भी लग सकता है, जैसे किसी को कोई पिंच कर देता है, चूटी मार देता है, ऐसा फीलिंग भी आपको आ सकता है। तो मतलब इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, आपको बिल्कुल, दिस इज अ वेरी गुड साइन। मुझे आते हैं कई बार ऐसे ना, बैठे ऐसे झटके से लगते रहते हैं। या दैट्स कम्प्लीटली फाइन। सो और इसके बाद थॉट्स हो गए, और हो सकता है कि आपको मेडिटेशन करते करते अपने सेशन के दौरान नींद आ जाए, वो भी बिल्कुल सही है, नींद आ सकती है, बिल्कुल। पर उस नींद के लिए ये करना है हमको, बेड पे, हम जहाँ पे भी बैठे, आप कंफर्टेबल स्टेट में बैठे, आपका बैक पीछे लगा हो, पर जस्ट कीप दैट इन माइंड, योर हेड इज नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट। आप चाहे कहीं पे भी बैठे, आपका इससे ऊपर सपोर्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आप अपने शोल्डर तक, कंधा तक आप अपना सपोर्ट ले सकते हैं, बट नॉट अबव दैट, क्योंकि एंड द रीजन इज दैट कि अब जब आप सोएंगे, सोने लग जाएंगे, तो आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। थॉट आया, आप मंत्रा बीच में चला गया है, थॉट आया, आप फिर सो गए, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। पर अगर आपकी गर्दन को सपोर्ट मिल गया, तो यू विल कीप ऑन स्लीपिंग,
पर आपने जैसे कभी नोटिस किया होगा, आप कभी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर आपका गर्दन को सपोर्ट नहीं होता तो आपको झटका लग के आप उठ जाते हैं. सो इट्स अ वेरी प्लस पॉइंट दैट वी कीप इन माइंड, वी टेक इन कंसर्न ड्यूरिंग आवर मेडिटेशन, कि हम गर्दन को सपोर्ट नहीं करते हैं ताकि अगर नींद आ भी गई है तो वो झटका लग के खुल जाए. तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स और आपको बेनिफिट्स जैसे मैंने बताए, तो आपको आराम से. और एक और चीज़, आप हो सके तो आप खाना, जैसे जैसे खाना का और मेडिटेशन का 2 घंटे का गैप रहे. लाइक आपने सुबह उठते ही जैसे कि अपना फ्रेशन अप हुए, मेडिटेशन किया, देन जस्ट कीप अ लाइक, उसके बाद आप फिर सीधा मेडिटेशन कर लें. अगर आपने कुछ हैवी मील लिया है तो उसके बाद डायरेक्टली अगर आप ना करें तो बेटर है, 2 घंटे का गैप रखें. इट्स दैट्स वाई वी एडवाइस इट लाइक कि बिफोर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर डिनर, ये सबसे अच्छा टाइम रहता है मेडिटेशन के लिए. आपकी बॉडी भी काम होती है, सुबह का जो आपकी बॉडी पे प्रभाव है ब्रेन पे वो कुछ और रहता है, इवनिंग का कुछ और रहता है. इवनिंग का सारे दिन की थकान हट जाती है और सुबह की मेडिटेशन आपको पूरे दिन के लिए थकने के लिए तैयार करती है, मतलब और डीपर लेवल पे लेके जाती है. यस, सुबह का और डे टाइम इज सो हेक्टिक नो नवीन, और वो आपको तैयार करती है. सुबह की मेडिटेशन आपको तैयार करती है दिन की पूरी थकन से फाइट करने के लिए, टू कीप अप द एनर्जी गाइस, आपकी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए. और इवनिंग वाला आपको सारा जो भी एनर्जी लॉस हुआ है, जो भी थकान हुआ है, उसको मेंटेन करने के लिए. बहुत बढ़िया. So now we start with our meditation. So आप कहीं पे भी बैठ जाएं, आपको अपने legs नीचे रखना है, आपको fold करना है the way you want it to be. So you can sit for like this. I will sit like this. I am Naveen, and we'll start the meditation. आप बैठ जाएंगे आराम से जिस भी position में बैठना चाहते हैं, और अब हमारा ध्यान का प्रक्रिया शुरू करते हैं. जब हम आपको कहें, जब 20 मिनट हो जाएंगे, I'll awake you and you just get up for that. So let's begin. आपको मंत्रा का उच्चारण करना है. आंखें बंद करने के लिए जब मैं कहूँ आप आंखें बंद कर लें, और जब मंत्रा का शुरू करने के लिए मैं आपको कहूँ तो आप मंत्रा शुरू कर दें. उससे पहले हम 1 मिनट के लिए अनुलोम विलोम का प्राणायाम का प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर 20 मिनट के लिए बिल्कुल आराम से बैठ के राम का उच्चारण करेंगे. हमको राम को फोर्स नहीं करना है, मंत्रा को फोर्स नहीं करना है, पर हाँ थोड़ा सा हम उसको प्रेफरेंस देंगे कि अगर भूल गया है, थॉट आ रहा है, नींद आ रही है, तो उठ के कि भाई थॉट आ गया है, तो विल जस्ट लाइक फेवर अ लिटिल बिट कि लेट्स बिगिन विद राम. यू डोंट हैव टू फोर्स इट, आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है अपने ऊपर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सेट फॉर लाइक 20 मिनट्स. फर्स्ट स्टार्ट विद अनुलोम विलोम फॉर 1 मिनट. Anulom Vilom, left side inhale, right side exhale, then right side inhale again, then left side exhale. Keep up the process, left inhale, right exhale, right inhale, left exhale. And when you end after 1 minute, You always exhale on the left. आप उल्टी तरफ ही श्वास को बाहर निकालेंगे. प्राणायाम को रोक दें, अब आंखें बंद करके शांत बैठ जाएं किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर. गर्दन को ना सहारा लगाते हुए अपनी बैक को सपोर्ट करते हुए 1/2 मिनट तक आप आराम से बैठे बिन निर्विचार. अगर आपको जब भी मंत्रा आए आप मंत्रा को ले लें, राम शब्द को पिक कर लें. अगर वो नहीं आता है तो उसको थोड़ा सा प्रेफरेंस देते हुए उसे अपने
उच्चारण में लिए हैं, राम का उच्चारण शुरू कर दें और आप स्टार्ट करें।
Now try to recall your senses. अब आराम से बैठ जाएं and stop the mantra. मंत्रा का उच्चारण बंद कर दे. एक मिनट बिना मंत्रा के बैठे, आंखें बंद रखें. शेप पे अपनी आंखों पे रखें और आंखों को धीरे धीरे ब्लिंक करें नीचे और पूरे फेस पे अपने हाथों की ऊर्जा देके आंखों को खोल दें. अब अपनी बॉडी को स्ट्रेच अ लिटिल, जिसको कहते हैं अंगड़ाई. अंगड़ाई लें क्योंकि आपकी बॉडी को इतना डीप रेस्ट मिला है, आपके ब्रेन को डीप रेस्ट मिला है, तो आपकी बॉडी भी बहुत ज्यादा काम हो जाती है. To get it back together, आप अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच जरूर करें. तो ये था हमारा ध्यान का सेशन जो हमने आपको आज बहुत ही ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है इन अ लेमेंस लैंग्वेज, ताकि इसका हर कोई फायदा उठा सके, घर घर तक पहुंच सके. लोग अपने सिर्फ बॉडी को नहीं, अपने मन को और अपने माइंड को भी वेकेशन पे भेज सके, ये हमारी कोशिश थी. आपको अच्छा लगा होगा और ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से हमने बताया है. जैसे हमने जो 20 मिनट जो हमने जो करना था वो हमने 4-5 मिनट करके आपको दिखाया है. आप अपने घर पे बैठ के और इसको 20 मिनट तक करना है आपको. और इसकी जगह आप एक अलार्म का यूज़ नहीं करना है, आप फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं या दीवार घड़े को यूज़ कर सकते हैं, जिस पर आप अपना आराम से समय देख सकें. और 20 मिनट के लिए आपको ये करना है. आप इसमें स्टॉप वॉच का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेदर टू यूज़ योर मोबाइल फ़ोन और इफ़ यू हैव अ स्टॉप, इफ़ हैव अ स्पोर्ट्स वॉच यू कैन यूज़ दैट. स्टॉप वॉच के अंदर आप ध्यान रखें. हमने आपको समझाने के लिए इसको इतने कम टाइम में किया, तो एक और चीज़ आई वुड लाइक टू ऐड कि जैसे हमने अनुलोम विलोम से शुरू किया, हम शुरू भ्रामरी से भी कर सकते हैं. तो आप हर बार एक बार नया एक्सपेरिमेंट करें. आप कुछ बार अनुलोम विलोम से करें, 2 मिनट अनुलोम विलोम का वो करें. आपको समझाने के लिए हमने थोड़ा शॉर्ट में किया ताकि ज्यादा लंबा ना हो वीडियो. तो 2 मिनट का अनुलोम विलोम का प्रयास करके फिर 20 मिनट के लिए आप टाइमर पे सेट करके अपना ध्यान का फॉलो करें. उसके बाद 1 मिनट के लिए मंत्रा का उच्चारण करके आंखें बंद रखें, बॉडी को ऐसे ही रखें जैसे हमने बताया. 1 मिनट तक और या 2 मिनट तक आप बिल्कुल रिलैक्स बैठे रहें, मंत्रा का उच्चारण ना करें. फिर अपना बॉडी को रिलैक्स करते हुए हाथों को रब करते हुए उठ जाएं. पर ध्यान रहे, आपका माइंड इतनी डीपर रिलैक्सेशन में है, तो अगर कोई किसी भी तरीके का अलार्म और कोई भी नॉइज आपको डिस्टर्ब कर सकती है, तो उसका स्ट्रिक्टली एक ही चीज का इसके अंदर हम स्ट्रिक्टली कहते हैं कि जो ना करें, वो ये है कि आप किसी भी अलार्म का यूज ना करें. स्टॉप वॉच रहे, आप बीच में आंखें खोल सकते हैं 2-3 बार. आपको मूव करना है, आप बीच में आप सब कुछ कर सकते हैं. यू वांट टू चेंज योर पोजीशन, यू कैन डू दैट व्हाइल डूइंग द मेडिटेशन, राइट? बिकॉज़ एज इट वी सेड, दिस टेक्निक ऑफ आर्स इज सिंपल, वेरी कंफर्टेबल एंड नेचुरल, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज वेरी सटल, एंड द एक्सपीरियंस दैट यू गेन आउट ऑफ इट इज गोइंग टू बी वेरी रिलैक्सिंग, विल बी अ वेरी सटल एक्सपीरियंस. और जो हम चाहते हैं आप तक पहुंचे और आपकी लाइफ के अंदर हर चीज अच्छे से रहे, एंड द मेन पर्पस ऑफ लाइफ दैट इज हैप्पीनेस, यू विल गेट टू इट, आपकी रीच में पहुंच सके. तो इसके लिए हम आज यहीं पे एंड करते हैं. सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? बस यही, आपने इसको रोजाना आप सुबह से हम अभ्यास करें इसका, और इसकी अटेंडेंस अगर हो सके तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना के हमें अटेंडेंस भी आप भेज सकते हैं. Yes. और टाइम टू टाइम जो फॉलो अप सेशन है वो हमारे साथ आप कर सकते हैं.
सो विल डू वन मोर थिंग, बिकॉज कई बार हमारे पास इस तरीके की रिक्वेस्ट भी आई हैं, मैसेजेस भी आए हैं कि लीव अ नंबर दैट सम ऑफ यू पीपल वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट एंड डू दिस मेडिटेशन टेक्निक, लाइक यू नो इट इज़ बेटर इफ यू डू इट लाइक वन टू वन, इट्स बेटर. तो हम विल लीव अ नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दैट नंबर, और फिर हम इसको पर्सनली भी आपको सिखा सकते हैं, बिकॉज इट गॉट लाइक सिक्स स्टेजेस. इस पे हम आपको सिर्फ एक ही स्टेज समझा सकते हैं. धीरे धीरे व्हेन यू विल गेट टू लाइक मोर इनटू इट एंड व्हेन यू एक्सपीरियंस द बेनिफिट्स ऑफ इट, यू वांट टू गो फर्दर, फॉर फर्दर स्टेजेस यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर नंबर, इट विल बी गिवन बिलो, सपना इन एवन. एंड फ्रॉम दैट, सो इट्स ओम नमस्कारम फ्रॉम आवर साइड. सो लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, हेल्प एज मेनी पीपल एज यू कैन. So and one great thanks to another thanks to our great cameraman Vijay sir and our lovely sound Prateek. और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी happiness. Bye. Namaste.